नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी जैस फरार गार्डन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने बताया था कि हम कोकोपीट को कैसे यूज करें, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों देखिए, ये कोकोपीट है। दोस्तों जब हम इसका यूज करेंगे तो उससे पहले हमें इसे पानी में भिगोना होगा। दोस्तों देखिए, हम इसको पानी में भिगो लेंगे थोड़ा सा। पानी में भिगोने के बाद में ये फूल जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसे 3 से 4 मिनट, दोस्तों 2 से या 3 मिनट इसको पानी में भिगो के रखें। देखिए आप, ये बढ़ रही है, ये फूल रही है, ये देखिए। तो दोस्तों इसको 2 या 3 मिनट इसे इस पानी में रखें। देखिए दोस्तों, ये पानी के अंदर जितना पानी था उतनी ही ये फूल के पूरी की पूरी पानी में घुल गई है और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब हम इसका यूज बताएंगे, हम कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सोयल होता है उस हिसाब से, जो प्लांट को जैसा सोइल चाहिए उस हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको नॉर्मल जो हमारे प्लांट होते हैं उसका सोइल बना के बताता हूँ। दोस्तों हमें थोड़ी सी जो नॉर्मल मिट्टी होती है हमारी गार्डन की, वो जैसे कि हमने एक कटोरी ये लेनी है मिट्टी की और आधी कटोरी इसकी लेनी है। अगर हम 2 कटोरी मिट्टी की लेते हैं तो हमें 1 कटोरी इसकी लेनी होती है। दोस्तों प्लांट जैसे कि हम जिस प्लांट को मॉइस्चराइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें हम 2 1 डाल सकते हैं, 2 मिट्टी की और 1 कोकोपीट की। और दोस्तों जिसमें कम की ज़रूरत होती है उसमें उस हिसाब से डाल सकते हैं हम। जैसे एडेनियम का सोइल अलग होता है तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 3 कटोरी मिट्टी डाल दी है और अब इसमें से हमें लेनी है ये कोकोपीट। देखिए दोस्तों, हमने उसमें से कोकोपीट निकाल लिया है, हमने 1 कटोरी इसमें डाल दिया है। और दोस्तों अब इसको इस मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाना है। दोस्तों देखिए, हमने कोकोपीट को इसमें मिला दिया है पूरी को। अब हम इस सोइल को प्लांट में लगाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।